नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई और आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। आज नागपुर में एग्रो विजन प्रदर्शनी का तीसरा दिन। आज कृषि प्रदर्शनी के देखने के लिए पूरे महाराष्ट्र राज्य के लाखों की संख्या में किसानों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिसके चलते खेती के उपज बढ़ाने के नई तकनीक किसानों को सीखने को मिली, जिसके चलते यह कृषि प्रदर्शनी भारत की सबसे बड़ी कृषि प्रदर्शनी के रूप में जानी जाने लगी। प्रदर्शनी का आयोजन या यू कहे आयोजक केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी है। पिछले 10 वर्षों से इस कृषि प्रदर्शनी का नागपुर में आयोजन किया जाता है। लगभग आज इस कृषि प्रदर्शनी में 400 से भी अधिक संस्थाओं ने अपने स्टॉल लगाए हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। हाल ही में मध्य भारत की सबसे बड़ी कृषि प्रदर्शनी का आयोजन भारत सरकार के मंत्री महोदय नितिन गडकरी इनकी ओर से किया गया था, जिसने किसानों के नए तंत्र ज्ञान को कृषकों को कृषि उन्नति की ओर ले जाने के लिए जानकारियां उपलब्ध कराई गई, जिसके चलते भारत का कृषक कृषि विज्ञान की तकनीक अपनाकर कृषि के गिरते स्तर को मुनाफे में बदल सके। आइए देखते हैं कृषि प्रदर्शन की विस्तृत जानकारी। जैसा कि आपने देखा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कृषि मेला, इस मेले का आयोजन भारत सरकार के मंत्री नितिन गडकरी इनके मार्गदर्शन में किया गया है। यह कृषि मेला 26 तारीख तक के चलेगा। मेले में कई प्रकार की कृषक कार्यशालाओं का भी आयोजन किया गया है, जिसका लाभ किसान अपनी फसलों का स्तर सुधार कर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। इस मेले में ज्यादा से ज्यादा कृषक हिस्सा ले सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश के प्रधानमंत्री के बयान पर देश का ग्रामीण युवा वर्ग रोजगार में जुट गया है। इस सरकार ने पकौड़ा बनाना और बेचना यह शहरी युवाओं को रोजगार का साधन बताया था। इसी के चलते ग्रामीण युवाओं ने चाय और पान की दुकानें खोलकर अपनी आमदनी बनाई है। ग्रामीण इलाकों में दिवाली के बाद मंडई मेलों का आयोजन किया जाता है, जिसके चलते इन मंडई मेलों में ग्रामीण इलाकों के युवा वर्ग ने चाय और पान की दुकानें खोली, जिसके चलते कम लागत में अच्छी आमदनी का युवा वर्ग को अवसर प्राप्त हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस मंडी मेले में युवाओं ने अपनी दुकानें खोली है। आइए देखते हैं मंडई मेले की दुकानें। गाँव गाँव जाकर करते हो ये दुकान, गांव गांव लगाते हो? क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है? नाम क्या है? नाम योगराज जामुलकर। फिर ये आप लोग गांव गांव जाकर ये दुकान लगाते हैं, जहां मंडी वगैरह होती है? कितने रुपए का बिजनेस शुरू होता है ये? 10,000 रुपए में ये दुकान शुरू हो जाती है, और इससे मुनाफा कितना हो जाता है आप लोगों को? मुनाफा दिखता ना जी, कम ज्यादा धंधा होता है, मुनाफा कैसे दिखेगा?
तो रोजगार नहीं होने के वजह से आप ये लोग इस तरीके के बिजनेस पर आप डिपेंडेंट हो गए हैं। किसानी वगैरह है आपके पास? हाँ। कितनी एकड़ है जमीन? एक एकड़। उसमें इस बार फसल कितनी हुई आपको? अच्छा, चूरना होने का आपका। देखा आपने, युवा वर्ग देश की प्रधानमंत्री की तर्ज पर ही चल पड़ा है। पकोड़े बेचने की जगह ग्रामीण बेचकर युवाओं ने चाय और पान की दुकानें चला रहे हैं और खुद के पैरों पर खड़े होकर बेरोजगारी पर मात कर रहे हैं। तो दर्शकों, खबरों में बस आज इतना ही। MNS न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।